एवरीवन, बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिखाया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक थोड़ा थोड़ी सी वीडियो बनाऊं। लॉन्ग वीडियो मेरी कल आएगी। तो किसी ने मुझे कमेंट कर रखा था कि आप पढ़ाई कैसे करती हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और टेबल लैम्प कैसे बना रखा, तो टेबल लैम्प मैंने खुद ही घर में बना रखा है। पहले भी मैंने खुद ही बनाया था और अभी भी मैंने खुद ही बना रखा था। तो सीमेंट और जो पाइप होता है उसे वो कर रखा था, और जो इसका मेन, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। और ये है, देखिए, ये मैंने खुद बना रखा है। ये लैम्प हो गया और ये जो नीचे का सीमेंट का बना रखा है, तो आप भी इसे घर में बना सकते हैं। और बाकी जो मेरा पढ़ाई का टाइमिंग है, वो मैं सुबह के टाइम, जब मेरे को सुबह टाइम मिलता है तो सुबह पढ़ लेती हूँ, और शाम को टाइम मिलता है तो शाम को पढ़ लेती हूँ। क्योंकि मेरी गाय भी है तो मुझे घास लेने भी जाना पड़ता है। तो मैं रोजाना सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, और 5 बजे उठने के बाद मैं रनिंग करने जाती हूँ। क्योंकि चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं रनिंग जरूर जाती हूँ। तो 5 बजे मैं सबसे पहले रनिंग जाऊंगी। रनिंग करने के बाद 6 बजे मैं 6 बजे तक घर आ जाती हूँ। तो घर का काम करते हैं, क्योंकि मेरे पापा को काम पे जाना रहता है 7 बजे, क्योंकि मेरे पापा ठेकेदार है। तो पापा को वर्कर्स को लेकर काम पे जाना रहता है, तो 7 बजे तक पापा काम पे चले जाते हैं। तो हम, मैं और मेरी छोटी सिस्टर है, वो नाश्ता बना देते हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं सुबह के टाइम जैसे घास लेने नहीं गई, तो मैं 8 बजे से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, और 12 बजे तक पढ़ती ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल बंद रखती हूँ। और फिर उसके बाद अगर मैं सुबह नहीं गई घास लेने के लिए, तो मैं शाम को 4 बजे जाती हूँ पुलिंडा, जहाँ जो मेरी फेवरेट जगह है, मैं वहां रनिंग भी कर लेती हूँ और घास भी लेके आ जाती हूँ। रोडी रोड जाती हूँ रनिंग करते करते, और घास काट के घर आ जाती हूँ शाम के 6 बजे तक। फिर उसके बाद घर का काम करती हूँ, खाना उना बनाती हूँ, और फिर उसके बाद बैठ जाऊंगी 8 बजे से पढ़ने के लिए, और रात के 12 बजे तक पढ़ती ही पढ़ती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ 12 बजे की भी वीडियो शेयर कर सकती हूँ। पर मेरा, जब से मैं पुलिस की भर्ती की भी तैयारी कर रही थी, तभी मैं 12 बजे तक मतलब पढ़ रही थी। मेरा दूसरा चैनल भी है पुश ब्लॉग करके, तो उसमें भी मैंने डाल रखा है कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है। तो मुझे मतलब घास हो गया, मेरा घर का काम हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, तो मुझे खुद ही देखना पड़ता है। और पढ़ाई हो गई, तो पढ़ाई के लिए मैं जरूर टाइम निकालती हूँ, तो आप भी निकालिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के साथ वीडियो मतलब बना के डालती रहूं। और जो मेरा पढ़ाई का वो है, उत्तराखंड में कैसे पढ़ती हूँ, वो कल मैं आपको लॉन्ग वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मेरा नेट खत्म हो चुका है, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस जो होती है, मेरी क्लासेस चलती है ना, तो वो मैं क्लासेस ले लेके अभी तक मैं सारा नेट खत्म कर देती हूँ। तो अभी शायद 200 या 300 MB बची होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लिप बना के डाल दू। तो लैंप की भी दिखाती हूँ कि कैसे बना रखा मैंने लैंप। तो आइए देखते हैं। है ये, मैंने खुद हाथ से बना रखा है, पाइप लेके आई थी, और ये देखिए सीमेंट का बना रखा है, और मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर रखा है। और दूसरा जो वायर जा रखा है ये सामने, ठीक है, तो यहाँ पे कर रखा है ये पूरा। तो ये आप घर में भी बना सकते हैं स्टडी के लिए, इससे मतलब पढ़ाई का जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा। और सबको मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप लिख लिख के पढ़िए। लिख लिख के पढ़ने से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, प्लस अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे, तो मैप पे ड्रॉ करके पढ़िए, कि जिससे आपको बहुत अच्छे से, मैं जो भी चीजें पढ़ती हूँ मैप में ड्रॉ करके पढ़ती हूँ और लिख लिख के करती हूँ। और ये है मेरा टाइम टेबल, आप देख सकते हैं कि मैं ये पढ़ती ही पढ़ती हूँ इतने टाइम पे। और दूसरा जो मैंने टाइम टेबल आपको दिखाया भी था, कि मैं जिस दिन नहीं पढ़ती उस दिन मैं क्रॉस कर देती हूँ, तो ये हो गया। और ये आर्टिकल से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए मेरी वीडियो, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर अपनी और वीडियो डाल सकूं।